नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर वन सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल के डीएक्स न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं तेलंगाना की 119 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फलौदी, सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने। वहीं इसमें किसकी बन रही है सरकार, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपके छात्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जब से तेलंगाना जिला बना है वहां पर डीआरएस पार्टी की जीत होती नजर आ रही है। पहले ही तेलंगाना के अंदर पार्टी है डीआरएस और दूसरी पार्टी है कांग्रेस, वहां पर बीजेपी की अब तक सरकार नहीं बनी है। वहीं कर्नाटक विधानसभा के जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस पार्टी की हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस ने यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस का हौसला और भी बुलंद हो चुका है। अब कर्नाटक के साथ अगले 5 राज्यों में और भी चुनाव है जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। क्या दोस्तों तेलंगाना के अंदर बनेगी कांग्रेस सरकार या फिर डीआरएस पार्टी अपनी सत्ता पर करेगी अपना कब्जा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और बात करें तेलंगाना की 119 सीटों पर सर्वप्रथम सीट वारणापार्थी की, वारणापार्थी में कुल दोस्तों एक सीट है और एक ही एक डीआरएस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। अब की बार कांग्रेस को जीरो और बीजेपी खाते में भी जीरो सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वही दोस्तों बात करी जाए अगली सीट करीमनगर की, कुल 4 सीटों पर तो 4 में से डीआरएस पार्टी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 2 सीटों का आकलन, बीजेपी को 1 और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करें कमरेडी की, कुल 3 सीटों पर तो बीजेपी को यहां पर 0 सीट, डीआरएस पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए निजामाबाद की, कुल 6 सीटों पर तो कांग्रेस को यहां पर बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 3 सीटों का आकलन, बीजेपी को 1 सीट और डीआरएस पार्टी को 2 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए हैदराबाद की, कुल 15 सीटों पर, यह तेलंगाना का महत्वपूर्ण जिला है, यहां पर डीआरएस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं रंगारेड्डी की बात करें तो यहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से डीआरएस पार्टी को 5, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए महबूब नगरी की, कुल 5 सीटों पर तो डीआरएस पार्टी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आंकलन, कांग्रेस पार्टी का 1 सीट, बीजेपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए जनगांव की, कुल 3 सीटों पर तो डीआरएस को 2 सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए जगतियाल की, कुल 3 सीटों पर तो तीनों को समांतर सीटों का आकलन, यानी बीजेपी को 1, डीआरएस पार्टी को भी 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए भारददरी की, कुल 5 सीटों पर तो 5 में से डीआरएस पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1, बीजेपी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाते नजर आ रही है अब की बार। बात कर जाए सिद्दीपेट की, कुल 4 सीटों पर तो यहाँ पर डीआरएस पार्टी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 3 सीटों का आकलन, बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात कर जाए निर्मल जिला की, कुल 3 सीटों पर तो बीजेपी को 2 सीटें और डीआरएस पार्टी को 1 और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट रजना सिरसिला की, कुल 2 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, वहीं डीआरएस पार्टी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाते नजर आ रही है अब की बार। कोरामरम भीम की, कुल 2 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट और डीआरएस पार्टी को भी 1 सीट प्राप्त हुई है, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाते नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात की जाए यदादी भोगी की, कुल 2 सीटों पर तो 2 की 2 डीआरएस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है और बीजेपी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता होगा नजर आ रहा है अब की बार तेलंगाना के अंदर। वहीं बात करी जाए जोगुलमना की, कुल 2 सीटों पर तो 2 की 2 डीआरएस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है तेलंगाना की जोगुलमना जिला के अंदर। बात करी जाए वारमल अर्बन की, कुल 3 सीटों पर तो 3 में से डीआरएस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1, कांग्रेस पार्टी को सुपड़ा साफ 0 सीटें
और अन्य के खाते में अब 0 सीट जाती नजर आ रही है। अग्रवाल जी, 2 सीटों पर बात करी जाए तो दोनों को समानता सीटों का आकलन यानी बीजेपी को 1 और DRS पार्टी को भी 1, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। 0 सीटें और अन्य के खाते में अभी 0 सीट जाती नजर आ रही है। सूर्या पेड़ की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो 4 में से बीजेपी को 2, DRS पार्टी को भी 2, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य के खाते में अभी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए अगले सीट खम्मम की कुल 5 सीटों पर तो 5 में से DRS पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।